ये देखिए कैसे सो रही है। सॉरी। शर्महीन लड़की, थोड़ा लाज शर्म है। ये कैसे पड़ी हुई हो, हाँ बेशर्मों की तरह। हाँ थोड़ा सभ्यता के साथ नहीं लेट सकती। ऐसे टंगड़ी फाड़ के कौन सोता है। हाँ देखने के लिए ऐसे कौन सोता है बेटा। हाँ मेरी कुकड़ी महारानी, मेरी महारानी ऐसी सोती है। ठीक है आराम कर भाई। तो ये आ चुका है हम लोग का किराना, है हमारा आटा, आटा 5 kg। 5 kg का आटा। आटा इसलिए मंगाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का आटा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में मंगा लिए। नमक नमक वगैरह 2 पैकेट, रिन रिन है और ना, ये चिप्स पार्टी करने के लिए, चिप्स वगैरह है। और ये कोल्ड ड्रिंक, और ये 2 लीटर तेल मंगा लिए हैं, 2 लीटर तेल और ये ये भी 2 लीटर है। और इसमें क्या छूट गया, ये धनिया पाउडर, धनिया धनिया पाउडर कमी थी, बाकी पाउडर, सब है, मिर्च पाउडर, हल्दी सब कुछ था ही। ये हमारा दाल 2 किलो, शुगर की जरूरत तो पड़ती है। शुगर, और ये हमारा कोल्ड है, ड्रिंक है ना। मजा आ गया। थोड़ा पिए क्या जी, हाँ पीते हैं ना अपन, थोड़ी देर पियेंगे अभी अपन। चिल्ड ये ही है, बिल्कुल ठंडा मस्त आ ठंडा गया है। है। अब बाहर जाने का आपका टेंशन फ्री, मेरे चक्कर में फंस रही थी आप कि हाँ बाहर हाँ कैसे जाएंगे, मेरे पैर में लगा था, अब ये कर दिया। अब एक काम है, हाँ आप बाहर चले जाना, वो कर लेना थोड़ा सा। फटाक से मुझे बाहर का मार्केटिंग का काम है थोड़ा सा, तो वो फटाफट मैं कंप्लीट करूंगी, है ना। हेलो दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग ने देख ही लिया होगा कि हम लोग का किराने का सामान आ चुका है, जो कि बहुत जरूरी था, और अभी भी बहुत काम पड़े हैं, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। सारा मुझे बेडशीट वगैरह धोना, कपड़े काफ़ी पड़े हुए, कपड़े वगैरह धोने हैं घर के, अभी का बहुत काम बचा हुआ है। और विवेक का पैर खराब होने के कारण, उसे प्रॉब्लम आने की वजह चोट से, लगने के कारण, हाँ वही चोट लगने के कारण क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम आ गई है काम में। क्या हो रहा है कि हर चीज़ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, ये हिल भी नहीं पा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहे से प्रेशर भी ना पड़े, क्योंकि बिल्कुल भी प्रेशर देने से, ज़रा सब चलने से भी इनकी स्वेलिंग आ जा रही है और पेन शुरू हो जा रहा है। और डॉक्टर ने टोटली रेस्ट बोला है कि बिल्कुल चलना ही नहीं है कम से कम हफ्ते भर। तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और हम लोग का पहले से प्लान था कि हम मार्केटिंग करने जाएंगे, यही करने जाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोगों ने कोई शॉपिंग की नहीं थी, और एंड मोमेंट में भी की ऐसी हालत भी हो गई, जिस कारण मेरे पर सारा प्रेशर। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बेडशीट धोनी है, पूरा किचन अभी थोड़ा ठीक ठाक करना है, पूरा अभी सामान आया वो उसको अरेंज करना है। तो समझ नहीं आ रहा कि अकेले अकेले मैं कैसे करूँगी, लेकिन कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट अभी बिना देर किए हुए अभी खाना हम लोग दोनों खाते हैं, मैंने बना लिया खाना, खाना खा के हम दोनों नहीं, मैं फटाक से निकलूंगी, मार्केटिंग का काम करके आऊंगी, और फिर जल्द से जल्द पूरा काम निपटाने की कोशिश करूंगी। और कपड़ा कपड़ा भी धोना है जैसा होगा तो करूंगी। ये है मेरे पति देव, है ना। ये बाल कैसा है आपका, ये बीच में खड़ा खड़ा, ठीक करिए इसको। ठीक अब है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों जैसा होता है तो फिर मैं आपको टाइम टाइम मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। चल एक ही बात को रिपीट रिपीट कर, यहाँ चल, हाँ ठीक बाद है, में चलिए, हाँ मिलते जी, हैं। बाद में मिलते हैं। तो मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, हम लोग का खाना पीना हो गया है। अब अपना मास्क ले लेती हूँ, मैं फटाक डाले निकलती हूँ ना, फिर हाँ आती ठीक है, ठीक, हूँ, आती हूँ। और ये सारा, ये पूरा बिखरा हुआ सारा सामान क्या बेटा, आ रहे हैं जल्दी से आ रहे हैं। तो मैं आके ऐसा सारा काम वाम करूँगी, और आप बिल्कुल हिलिएगा नहीं, मैं आके सारा काम करूँगी, ठीक है डार्लिंग। तो मैं फटाक से शॉपिंग करके आती हूँ। तो बिजी रहने के चक्कर में हुआ ये कि ना कि सब्जी भाजी भी नहीं लेके आ पा रहे थे, क्योंकि मैं बाहर का भी काम सारा हम लोग कर रहे थे, लेकिन बाहर का भी काम इतना था, अंदर काम इतना था, फिर सब्जी भी खत्म हो चुकी थी। तो फिर फाइनली हम लोग ने क्या किया, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि मुझे बाहरी काम थोड़ा, यहाँ वहाँ काम थोड़ा निपटाना था। तो मैं दिखाती हूँ कि हम लोग ने ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर किया, और बहुत बेहतरीन सब्जी आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही सब्जियाँ जो कि हमने मंगाया है, पत्ता गोभी वगैरह मंगाया, और ये क्या क्या है मैं दिखा दूँ, ये फूल गोभी, इतनी बेहतरीन और बढ़िया वाली फूल गोभी है, और ये कैबेज, पत्ता गोभी, रेड वाली पत्ता गोभी, ये भी हेल्दी होती है खाने में, रेड 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 होती है वो। और ये अदरक लहसुन वगैरह ये सब बहुत फ्रेशली आया है, मुझे बहुत पसंद आया। और ये सब क्या है इसमें, ये पत्ता गोभी है, और मैं दिखा दूँ सब क्या है,
इसमें शायद वही है, ये क्या है, बीन्स है, ये बीन्स है, और ये क्या है, ये मैं फाड़ के दिखा देती हूँ, ये मटर है, ये मटर है, और ये आ रहा है गाजर, ये है गाजर। और मैं बता दूँ सब फ्रेशली फ्रेशली बहुत बढ़िया आए हैं। और ये टमाटर वगैरह है, ये अदरक वगैरह है, और इसमें क्या है, ये शायद हरी मिर्च है, ये भी तो मटर ही है। मुझे बताइए, मटर मटर दो बार दे दिया, इसमें हरी मिर्च नहीं दिया है सच्ची में। अच्छा उसी को खाता है, तो पाएगा। ओह माय गॉड, तो हमें खाता है ना भाई, देख लो नहीं, ये क्या है, हरी मिर्च भी है। मटर दो मंगाया, हो सकता है आधा किलो, हमें ध्यान नहीं है। हाँ सर, आधा किलो आप मंगाए हैं तो दो पैकेट में दे दिया है। तो यही हमने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, क्योंकि बहुत ही काम था, घर में भी बहुत काम था, और मैं भी बहुत थक जा रही थी, और बार बार जैसे कई बार बाहरी काम भी था तो आना जाना लगा हुआ था, लेकिन सब्जी लाना भूल जा रही थी, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। और अलग अलग काम, तो कुकी को भी लेके जाना था, फिर लेके आना था, फिर और भी कई काम थे, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि और मेरी हिम्मत नहीं है मार्केट जाके सब्जी वब्जी लेने की। और यहाँ भी सब्जियाँ ना उतनी फ्रेश नहीं मिलती जितनी थी, फ्रेश आई, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑनलाइन सब्जी मंगाने पे इतने फ्रेशली सब्जी आएगी। हम लोग डरते डरते मंगा लिए थे, क्योंकि इमरजेंसी थी कि अभी मंगा लेते, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं ही ये सब करके मैं ले ही आऊँगी, अगर इनकी हालत ठीक हो जाती है तो मैं ही ले आऊँगी, नहीं तो ये तो लेके ही आएंगे। तो लेकिन इतनी फ्रेशली और इतनी बेहतरीन सब्जी आ गई कि मज़ा आ गया हम लोग को, तो हम लोग बहुत खुश हुए, हम लोग को तो मन करा कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऑनलाइन ही मंगाएंगे। लेकिन अब देखते हैं जो होता है, लेकिन अभी तो मज़ेदार आई सब्जी। करते करते हम लोग को लगाई है प्यास, और हमारे पास है कुछ स्पेशल जिसको पी के हम लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। हाँ वो आपके लिए स्पेशल है, इनका पीने का बहुत मन कर रहा था तो ले आए थे। तो डालेंगे हल्का हल्का ठंडा, ज्यादा ठंडा नहीं है, हल्का हल्का ठंडा, क्योंकि लाए थे तो नॉर्मल था, पी के देखिए काफी बढ़िया है, मैं तो पीने वाला मेरे को। ओके ओके, भिगोने के लिए रख दिया था, और फिर मैं फटाफट में सारा अपना अलमारी सेट कर ली हूँ, तो अब मैं फटाफट अब जाती हूँ कपड़े को धोने, वो भी काम मैं निपटा देती हूँ जल्दी से। तो मेरा कपड़ा धोना हो चुका है, मैंने ऊपर डाल भी दिया है, और ये दिखा दूँ सारा बिखरा पड़ा है, तो उसको मैं फटाफट उसमें किचन में अरेंज करूँगी। उससे पहले मैं सोचती पहले किचन को ही पहले क्लीन कर लेती हूँ, वो भी गंद, किचन भी गंदा है तो किचन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। और ये मेरे पति देव जी बड़े मज़े से सो रहे हैं, जो कि अभी मैं उठाऊँगी उनको, थोड़ा चाय कॉफ़ी पिला देती हूँ, और मैं फटाफट किचन का काम करके फिर मैं ये कमान शिफ्ट करूँगी उसमें। आइसक्रीम अभी जस्ट आया है लेके, तो फटाक से मैं रख देती हूँ फ्रिज पे, फिर अपन खाना खाने के बाद खाएंगे ना डार्लिंग। हाँ आप एंजॉय करने के लिए। ओके ओके, हाँ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग को बहुत काम है ना, काम करके थक रहे, तो थोड़ा एंजॉयमेंट की चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ खाते रहो पीते रहो मजे करते रहो, तो थकान भी ना कम हो जाती है। तो फटाक से फिर, हाँ हेलो, फिर आते पबजी भी खेलेंगे फटाक से हम लोग ये करके, फिर पबजी खेलेंगे। तो ये रखा है मेरा सारा सामान,
मैंने वो रैक थोड़ा स्पेस वहाँ बना दिया है और यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस बना के सारा चीज़ों का अरेंज करूँगी, तो मैं फटाफट अरेंज करती हूँ। ओके इतनी बदमाशी। वो नहीं छोड़ेगी। बाप रे, ओ माय गॉड, इसको ट्रेनिंग दे क्या? ओरे रे, इसको इसको प्यास व्यास लगता है कि नहीं लगता? यही इसका उपाय है। चलिए ठीक है। इधर देखो, तो मेरा झाड़ू पोछा घर को ठीक ठाक करना सारा हो चुका है, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो इस थकान के लिए मैं अपने आप को ही चाय बना के पिलाती हूँ, क्योंकि आप तो पिला नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी तबीयत है खराब, चल सकते नहीं है। हाँ नहीं, मैंने चाहती ना यार चले, वो जरा सा भी चल रहे हैं तो स्वेलिंग आ रही है, तो मैं क्यों अपने ऊपर ही क्यों अपना माठा और फड़वाऊँ, मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ ठीक हो, नहीं तो दस दिन और मेरे सर पे बैठ के नाचेंगे ये, तो मैं इस खुशी में अपने आप ही चाय नहीं मैं डालेंगे, तो जिंदगी भर आपका सेवा करने को तैयार हूँ डार्लिंग, लेकिन कहने वाली बात है ये लीजिए। अच्छा तो मैं लाती हूँ चाय, थोड़ा चाय पी के थोड़ा आराम करते हैं ना, मेरी हालत खराब हो गई है, चाय पी रही हूँ, चाय पी के ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन, अब को थकान जब से उठी हूँ ना तब से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, जस्ट अभी बैठने का मौका मिला है तो थोड़ा मौके का फ़ायदा उठाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे खाना ना चढ़ाना है, तो जितना लेट करूँगी वो मेरे लिए ही बर्डन बनेगा, इसलिए फटाक से चाय पी के मैं फटाक से खाने का भी काम कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। फिर क्या करने वाले अनुपन आज रात में? पबजी खेलने वाले मेरे साथ खेलेंगे ना, दोनों विनर विनर चिकन डिनर करेंगे, पूरी नाइट मस्ती करेंगे, मेरा लेग ठीक हो जाएगा फिर मैं अपने काम पे चला जाऊंगा, तीन दिन रात भर पबजी 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 और वेब सीरीज, वेब सीरीज भी देखेंगे। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि क्योंकि आज पूरे टाइम मैं लगी रही, तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ मस्ती करेंगे, मेरे साथ गेम खेलेंगे, मेरे साथ सीरीज एंजॉय करेंगे ना डार्लिंग, है ना, मेरे साथ मस्ती करेंगे ना, पबजी। टाइम है थोड़ा आइसक्रीम एंजॉय करने का डार्लिंग। हाँ? ये मैं पक रहा हूँ तो आप खाम से रखा के बता। बहुत बेहतरीन, यमी यमी, बहुत टेस्टी है। अब बहुत सारा है, भर भर के खाएंगे और गर्मी का फुल ऑन एंजॉय लेंगे। तो मैं दिखा दूँ आपको कि ये बन गया है मेरा मिक्स वेज, ये बढ़िया बन गया है, और ये है मेरा चावल का आटा है, क्या है कि विवेक की इच्छा थी चावल के आटे की पराठा खाने की, क्योंकि वो भी थोड़ा डिमांडिंग इंसान है, उनको भी खाने में ना ये वो चाहिए रहता है, तो आज उनकी फरमाइश थी चावल के आटे का पराठा, तो मैं बना रही हूँ, तो मैं फटाफट बनाऊंगी, फिर हम लोग मस्त खाते हुए एंजॉय करेंगे। मैं नहा के बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और विवेक भी नहा लिए हैं, क्या हुआ था खाना बनाने के बाद ना इतनी बुरी गर्मी लग रही थी और इतनी हालत ख़राब हो रही थी, और क्या है कि मैं सुबह से जब से काम पे लगी हूँ ना अब जाके फ्री हुई हूँ, मतलब कि ऐसा मैं कंटिन्यू लगी हुई थी, तो मेरी तो बैंड बजी हुई थी, तो अभी नहा के ना बहुत अच्छा लगा है, तो मेरा देखा सीखी विवेक भी नहा लिए, तो मज़ा ही आ गया हम दोनों को। मैंने ही तुमको सजेस्ट किया कि नहा लो, दिन भर से काम कर, मेरे को ही बेवकूफ़, तुमको देखा देखी मैंने। हाँ इन्होंने मुझे बोला नहा लो तो अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ठीक है मैं नहा लेती हूँ, फिर मेरा देखे सीखी ये भी घुस गए नहाने, तो हम दोनों को बहुत मजा आ गया, तो हम लोग फटाफट खाना खाते हैं, है ना अली।
आज मैंने क्या बनाया है, चावल के आटे का पराठा, जो कि टेस्ट करके बताइए, और मिक्स वेज मैंने बनाया है, तो टेस्ट करके बताइए। बेहतरीन लग रहा है मिक्स वेज और अब पराठा भी। कैसा लग रहा? अच्छा, मैंने खुद ने टेस्ट नहीं किया है। मैं कराता हाँ, कराइए। मस्त है ना? तो मजे से एंजॉय करते हैं। कुकी भी चाहिए। उसको थोड़ा दवा लगा, इसलिए कैप वैप लगाना पड़ता है। तो मस्त एंजॉय करते हैं आज पबजी, मजे से आज खूब खेलेंगे, रात भर खेलेंगे। आज फन करने वाले, क्योंकि आज मेरी भी बहुत बैंड बजी है, काम करते थे, बहुत थक गई हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा फन करेंगे ताकि मुझे मजा आए, है ना डार्लिंग? तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। तो हम मिलेंगे कल। आई होप कि हम लोग के ब्लॉग्स आप लोग को अच्छे लगते होंगे, आप लोग एंजॉय करते होंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हम लोग के ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।